जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना जनाधार लगभग खो चुकी है, और इसको मद्देनजर रखते हुए वह जम्मू कश्मीर में चुनावों को टाल रही है, टालने का प्रयास कर रही है। अभी एक हफ्ते पहले अमित शाह जी का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, लेकिन यहां की सुरक्षा को देखते हुए वो थोड़े से चिंतित हैं। और आज तो अमित शाह जी ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में लोग बच्चे पत्थरबाजी करते थे अब वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बताना चाहते हैं, आदरणीय अमित शाह जी को बताना चाहते हैं, पिछले कल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 300 के करीब जो है वो आतंकवादी हैं, जिसमें से 135 आतंकवादी सक्रिय हैं और जो 170 हैं वो असक्रिय हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं और जो आर्मी है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो सक्षम है इन सबको बिफिटिंग रिप्लाई देने के लिए। जो 170 आतंकवादी की उन्होंने बात कही है, जिनको ये हाइब्रिड मिलिटेंट्स भी कहते हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए एक और बयान जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से भी जारी किया गया, जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि जम्मू कश्मीर के हालात अब नॉर्मल हैं और 100 से ज्यादा मॉड्यूल जो है हाइब्रिड मिलिटेंट्स के बस्ट किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी जो है ऐसे मॉड्यूल्स का खात्मा किया जाएगा। आर्मी कह रही है जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे हैं, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का अनेक नेता ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी अपने ही कंफ्यूजन में कंफ्यूज क्यों है? भारतीय जनता पार्टी जो है इट इज कंफ्यूज इन इट्स ओन कंफ्यूजन। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जम्मू कश्मीर में उनका आधार खत्म हो चुका है, जनाधार लगभग खत्म हो चुका है, और जानबूझ के वो इलेक्शंस को टाल रहे हैं, टालने का प्रयास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन हो गई है और कल 25 नवंबर को जो समरी रिवीजन हुआ है इलेक्ट्रल रोल्स का वो पब्लिसाइज होगा, उसकी पब्लिकेशन की जाएगी। अब आपकी वोटर लिस्टें भी तैयार हैं। आर्मी और पुलिस ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है, मोदी सरकार से पूछना चाहती है और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को पूछना चाहती है कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? आपने संविधान को बंधक बना के रखा है, आपने लोकतंत्र को बंधक बना के रखा है। आपका असूल है, आपकी नई पॉलिसी है कि मेरी मर्जी, जब भारतीय जनता पार्टी की मर्जी होगी तो चुनाव होंगे, जब भारतीय जनता पार्टी की मर्जी नहीं होगी तो चुनाव नहीं होंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं इट्स डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और अनुरोध करना चाहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जम्मू कश्मीर की स्थिति पे आप संज्ञान लीजिए। आपने रूरल लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवा दिए हैं, आपने अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवा दिए हैं, आपने मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन करवा दिए हैं, फिर क्या कारण कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक आपने विधानसभा के चुनाव नहीं कराए? लोगों को एक लोकतांत्रिक सरकार से वंचित रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अपराध का दर बढ़ रहा है, कितनी सारी सोशल प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है, माफिया यहां पनप रहा है, और इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है और आने वाले दिनों पे अपना और विरोध प्रदर्शन को उग्र बनाएगी।
अगर यहां पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो हम लोग इस सरकार पर दबाव बनाएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को लोगों के सामने अपोज करेंगे, एक्सपोज करेंगे, डिपोज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक चुनी हुई सरकार ही लोगों का समस्याओं के समाधान है। जम्मू कश्मीर को अब एक चाहिए लोकतांत्रिक सरकार, और आम आदमी पार्टी जो है वो जनता के साथ खड़ी है।